ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की यह कहानी है। अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की यह कहानी है। सुना होगा ना कि ये करबला की जंग, अखबारात उठा लीजिए, मुजल्ले उठा लीजिए, जराइद उठा लीजिए, रेडियो सुन ले, टेलीविजन देख ले, कुफर और इस्लाम का मार्का, इस्लाम और कुफर की जंग, इस्लाम को गालिब करना था, हक और बातिल का मार्का। हमारे बड़े बेईमान भी बयान देते हैं कि हुसैन की याद में यजीदी कुव्वतों और हुसैनी कुव्वतों की जंग बाकी रहेगी। समझते नहीं हैं ये है क्या। अगर ये इस्लाम का मार्का होता, अगर ये कुफर और इस्लाम की जंग होती, तो आज यजीद रहमतुल्लाह अलैह की समाई किसी और किताब से नहीं, इन्हीं की किताब से। सिर्फ हजरत हुसैन जा रहे थे, ये एक हादसा था, एक वाकया था, ये एक इख्तलाफी चीज थी, ये कोई कुफर और इस्लाम की लड़ाई और जिहाद नहीं। अगर मुसलमान कहते इस्लाम जिंदा होता है हर कब, तो करबला के बाद कौन सा इंसान इस्लाम जिंदा हुआ?